गाइस मैं पर शेयर करती डेली बेसिस में आप लोग के साथ में एक शॉर्ट वीडियो, और मैं आप लोग के साथ में अपने चैनल पर कर रही हूँ लॉन्ग हेयर विंटर स्पेशल सीरीज, जिसमें कि थिकनेस पे हम काम कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए अगर एक से दो व्यूज भी आते हैं ना तो भी मेरे लिए इनफ है, क्योंकि देखो एटलीस्ट हम जो चीजें आपको बता रहे हैं आप उसको कर रहे हैं फोकस करके, ठीक है। जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट आना शुरू होंगे धीरे धीरे। आपको फोकस कहाँ पे करना है, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, आपका जो स्कैल्प है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए। जब आपका स्कैल्प क्लीन होगा ना आपके बालों की ग्रोथ होगी, 4 गुना होगी, 10 गुना होगी, 20 गुना होगी। स्कैल्प क्लीनिंग पे आपको फोकस रखना है, जो कि विंटर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि आपका डैंड्रफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम हो जाती है, फ्लेकी स्कैल्प हो जाती है, तो आप कोई भी चीज लगाते ना तो वो अच्छे से वर्क नहीं करती है। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ में, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे एक बहुत ही बढ़िया सा सीरम, जो कि हमारा बनेगा बहुत इजी वे में, बट है ये बहुत स्ट्रांग। तो आप लोग इसको जब बनाकर यूज करेंगे तो थोड़ा सा आप लोग बच्चों से इसको दूर रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, और जब आप इसको लगाएंगे ना तो आप लगा करके इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसको आपको रात में ऑयल लगे हुए बालों पर लगाना है और उसके बाद छोड़ देना है, मॉर्निंग में आपको वॉश कर लेना है। आप इसको डेली भी लगा सकते हैं, बट आपको नेक्स्ट डे इसको लगा करके वॉश जरूर करना है, जैसे कि आपने आज बनाया और आज आपने इसको लगा करके वॉश कर दिया। रिजल्ट्स इसके इतने अच्छे हैं कि मैं आप लोग को जितनी भी इसकी तारीफ करूँ उतना ही कम, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जो हमारा सीरम है कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरीके से इसका ये काम करेगा आपके स्कैल्प पे, वो बता दें, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा जो सीरम है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर सीरम बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप के करीब पानी, और यहाँ पर हमें लेना है हॉर्स टेल, जो हमने स्टिक यूज़ की थी उसका पाउडर बना करके मैंने रख लिया है। पाउडर कैसे प्रिपेयर करना है अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, क्योंकि इसमें दालचीनी, काले मिर्च, हॉर्स टेल लीव्स की जो स्टिक्स होती हैं, हॉर्स टेल की जो स्टिक्स होती हैं वो डाली गई हैं इसमें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको डालनी है इसमें और इसको हल्का सा रोस्ट करना है, फिर उसके बाद ठंडा करके पीसना है। इसमें आप लोग को चाहिए वीडियो तो मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि हम लोग अभी इसी की सीरीज कर रहे हैं। और फिर इसको हमें 1 कप पानी में 1/2 चम्मच या 1 चम्मच जितना आपको स्ट्रॉन्ग करना है उस हिसाब से डालकर इसको बॉईल करना है 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद से हम इसको क्या करेंगे, डाल देंगे एक स्टैनर में और उसके बाद से इसको छान लेंगे, ठीक है। छानने के बाद से हम इसमें ऐड करेंगे अपने कुछ ऐसे चीज़ें जो कि हमारे इस लिक्विड को थोड़ा सा गाढ़ा कर दे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एलोवेरा जेल, अब लाडो यहाँ पर खेल रही तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डालना है एलोवेरा जेल, उसके बाद एवोकाडो ऑयल, नहीं है तो बादाम का तेल डाल सकते हैं, विटामिन ई इवियन कैप्सूल डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एवोकाडो ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि मैं अपने बालों के साथ कोई गेम नहीं करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ तब जाकर मेरे बाल इतने सुंदर हैं। उसके बाद से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की 30 ड्रॉप्स डाल रही हूँ, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग सीरम है, ऑयल लगे हुए बालों पर इसको लगाना है, ओवरनाइट रखना है और फिर मॉर्निंग में वॉश कर लेना है। उसके बाद से मैं बसिल एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ, ये तुलसी का है, बहुत ही बढ़िया एसेंशियल ऑयल है, एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर आप लोग नहीं कर रही हैं तो। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक कैस्टर ऑयल, बालों की रीग्रोथ के लिए, बालों की थिकनेस के लिए बहुत बहुत बढ़िया है, बट बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या डैंड्रफ जाती है, तो डैंड्रफ कैस्टर ऑयल से नहीं जाती है, कैस्टर ऑयल को हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करते हैं जिससे कि वो आपके बालों की ग्रोथ को अच्छे से बूस्ट करे। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना तो इसीलिए इसको हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, बादाम के तेल में, जैतून के तेल में या किसी भी तेल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, रिजल्ट्स इनके बहुत ज़बरदस्त हैं, आप मेहनत करें रिजल्ट्स आएंगे। इसको आपको ऑयल लगे हुए बालों पर लगाना है कंघी करके, उसके बाद से आपको मॉर्निंग में वॉश करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल, इसको लगाने के बाद से मेरे बालों का वॉश होने के बाद का ये रिजल्ट है, तो आप लोग देख सकते हैं बालों की थिकनेस भी अच्छे से इंप्रूव होती है, बालों में सॉफ्टनेस भी आती है। इसको लेंथ पे भी लगाया जा सकता है, जड़ों में भी लगाया जा सकता है। पहले आप अच्छे से बालों में कंघी कर ले, कंघी करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इन्वर्जन मेथड कर ले, उसके बाद से आप इस सीरम को लगाएं जिससे कि आपके बालों में ये सीरम जाकर अच्छे से काम करे, ठीक है। तो आप लोग बनाइए और इस सीरम को यूज कीजिए, हमारा विंटर हेयर ग्रोथ सीरीज बहुत ही बढ़िया लाजवाब है, आप लोग अब करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि करने से होता है, बिना किए कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोग करें जरूर। सो गाइज देखा आपने हमारा जो सीरम है बनकर के रेडी हो चुका है। आपको क्या करना है, आपने जैसे मंडे और ट्यूजडे ऑयल रखा है अपने बालों में, आपका वेडनेसडे को हेयर वॉश है, तो आप मंगलवार की रात को ट्यूजडे को अपने बालों में अच्छे से कॉम करेंगे, कॉम करने के बाद आप इन्वर्जन मेथड करेंगे और उसके बाद आप इस सीरम को अप्लाई कर लेंगे अपने पूरे बालों के स्कैल्प पर, लेंथ पे भी लगा सकते हैं अगर आपका मन है तो। उसके बाद से आप क्या करेंगे, वेडनेसडे को वॉश कर लेंगे। इस तरीके से उसको लगाना है, लगाने से पहले कंघी करना है, लगाने के बाद आपको कंघी नहीं करना है, ओवरनाइट रखना है, मॉर्निंग में आप शैम्पू के साथ में वॉश जरूर करें इसको,
ठीक है, ट्राई दिस रेमेडी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग इस सीरम को ट्राई कीजिएगा, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो शेयर जरूर करें। बाय।